अपोजिशन ने परवेज मुशर्रफ की सजा को तारीखी फैसला करार दे दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि मुस्तकबिल में आइन तोड़ने की रिवायत खत्म हो गई। ऐसा फैसला पहले आ जाता तो कभी मशरिकी पाकिस्तान अलग ना होता। तारीखी फैसला हमेशा याद रखा जाएगा। और इसमें इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में आइन तोड़ने की रवायत खत्म होगी। ये वो फैसला है कि जो आज से अगर 50 साल पहले दे दिया जाता तो पाकिस्तान में कभी मार्शल ला की लानत और मार्शल ला की नहुसत मुसल्लत ना होती और कभी मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा ना होता। आपने जब आइन की शिकनी की है तो फिर अगर अदालतें उस पर एक पोजीशन दे रही हैं उसका हम उस पर क्यों हम सवाल उठाएं? बात यह है कि जम्हूरियत के हवाले से जब इदारे अपने आप को फाल करने की कोशिश करते हैं तो हमें ख़ासतौर से अदालतों का हमेशा पीपल्स पार्टी ने हर वर्डिक्ट एक्सेप्ट हर कोर्ट के फैसले को वेदर वी अग्री और डिसएग्री हमने तस्लीम किया। समझता हूँ कि ये बहुत तारीखी फैसला है और बहुत खुशायन फैसला है। आज ये साबित हुआ कि कानून की बालादस्ती है और यही जो है पाकिस्तान को इस फैसले की ज़रूरत थी जो आ गया। तो सियासी तौर पर भी हम जो है मुशावरत कर रहे हैं तो उसका जवाब इंशाल्लाह ताला जो है हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक इंशाल्लाह होगा। जहाँ जहाँ मुल्क के इदारों की बेहतरी होगी वही हुकूमत करेगी। और मेरा ख्याल है इस वक्त का तकाजा भी ये है कि हमने सारे मुल्क के रियासत के सारे इदारों को साथ लेके जाना होगा।